एक और अहम खबर आपको देखिए, कराची में रेंजर्स ने लियारी के इलाके संगुलेन में छापा मारा है और इस छापे में 20 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया है। कराची ऑपरेशन में 300 से ज्यादा अहलकारों ने हिस्सा लिया है। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका तौर पर कार्रवाई कर रही है। छापे के दौरान घर घर तलाशी ली गई है और इस वक्त कराची में रेंजर्स का लियारी इलाके संगुलेन में छापा मारा है रेंजर्स ने, जिसमें 20 मुश्तबा अफराद पकड़ लिए गए हैं। कराची में गुज़िश्ता कई रोज से बदमनी की लहर जारी थी। टारगेट किलिंग के वाकयात भी सामने आ रहे हैं और छापा भी मारा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है बदमनी की जा रही है। दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त कराची के बंद कर दिए गए हैं। कराची में रेंजर्स जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और लियारी में लियारी के इलाके संगुलेन में छापा मारा है, जिसमें से 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक किस तंजीम से है, किस ग्रोह से है, इस बारे में अभी तक तो कोई इतलात सामने नहीं आई है। कराची में रेंजर्स ने लियारी के इलाके संगुलेन में छापा मारा है, जहां से 20 मुश्तबा अफराद पकड़ लिए गए हैं। कराची में रेंजर्स ने लियारी के इलाके संगुलेन में छापा मारा है, जहां से 20 से ज्यादा मुश्तबा अफराद पकड़ लिए गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक मोहम्मद, बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? की भाई नफरी ने जो है लियारी संगुलेन में जो है अभी तक अब से एक घंटे पहले वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद करने के बाद घर घर तलाशी ली गई है और 20 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को पकड़ के भाई तार में असला दस्ती बम और दीगर सामान बरामद किया है। साहब इस सिलसिले में जो तर्जमान रेंजर्स ने कुछ नहीं बताया, न इलाका पुलिस ने बताया। हमें अपने जराये से मालूम है कि वहाँ जो संगुलेन की एरिया है वहाँ पे लियाती अमन कमेटी के सरबरा उदय जान लोच का भी घर है। तो अभी तक इस बड़ी तस्दीक नहीं हो सकी कि उनके घर से आए रेंजर छापा मारा है या नहीं मारा, पर जो उनकी गली है वहाँ पे तो वहाँ पे घर तलाशी ली गई है और वहाँ तक 20 से डायट अफराद जो पड़ा है उनके कब्जे से बता दें भाई तार में असला दस्ती बम क्रैशन को पिस्तौल ये बरामद हुआ है और उनको जो है रेंजर से टैवल में लेकर नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 300 से डायट जो है रेंजर्स के जवानों ने हिस्सा लिया है। मुकम्मल तौर पर घर घर तलाशी भी जारी है। हर एक आदमी वहां पर सर्च किया जा रहा है। किसी भी शख्स को अंदर जाने और बाहर निकलने की इजाजत नहीं, यहाँ तक के मीडिया को भी अभी तक उन्होंने एक्सेस नहीं दिए ताकि वो अंदर जाके कुछ शूट कर सके। उनका कहना है ये ऑपरेशन बहुत यानी कि सिक्योर रखा गया था, जिसकी वजह से वो अंदर किसी को भी नहीं आते। इस मौके पर जो है रेंजर्स ने अपने साथ जो है सुराख कुत्तों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके साथ जो है अपना मोटरसाइकिल सवार दस्ते भी हैं।